गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे इज मकर संक्रांति। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मैं इस समय आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, जिसमें इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पढ़ा चुका हूं, जो कि पिछले चैप्टर्स में आप देख चुके होंगे। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट पर पास्ट टेंस में चार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चौथा पार्ट आज मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, पास्ट पहचान, पहचान लिखेंगे सबसे पहले। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इसमें समय के लिए से रहा था, से रही थी, से बीच में कुछ रहा था, से रहा था, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा इसलिए दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। यानी कि जैसे दो घंटे से पढ़ रहे थे, वह दो घंटे से गा रही थी, वे दो घंटे से यात्रा कर रहे थे, यानी कि बीच में कुछ भी किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। अब जब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, तो इस टेंस में जो सहायक क्रिया लगती है वो लगती है हैड बीन, हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो सभी के साथ लगती है, आई यू बी दे ही सी इट नेम सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ हैड बीन लगता है। जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगता है और टाइम के लिए इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। तो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई काम कब से शुरू हो रहा है उसको बताने के लिए करते हैं, जैसे सिंस 1990 मंडे जून, ये पहले के वीडियो लेक्चर में, सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने सिंस और फॉर का यूज बताया है। फॉर जो लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर थ्री ईयर्स, फॉर थ्री डेज, थ्री डेज, इस प्रकार से सेंस ऑफ फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो साधारण वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन रहता है, हैड बीन, हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, थ्री। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे वह दो घंटे से, वह दो घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा था, समाचार पत्र पढ़ रहा था, यदि ये लिखा हुआ है तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है हैड, सब्जेक्ट हुआ है तो वह को क्या बोलेंगे, ही, इसके बाद हैड लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड में आई एन जी, क्या पढ़ रहा है, समाचार पत्र, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और दो घंटे से है तो फॉर सेंस लगाएंगे, तो इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर फॉर टू आवर्स, टू आवर्स, यहाँ पे चूंकि टू आवर्स पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में पहले भी मैंने आपको बताया है कि हम हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर, सेंस या फॉर। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा, समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो बस वही हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हैड पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा था, क्या वह 2 घंटे से, 2 घंटे से समाचार पत्र, समाचार पत्र पढ़ रहा था। इसमें हो जाएगा, जब क्या लिखा रहता है तो हैड लगाते हैं, हैड ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, पेपर फॉर 2 आवर्स। यही यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, तो जब बीच में क्या आया तो उसकी WH वर्ड पहले यानी कि व्हाट हैड ही, व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर, डूइंग फॉर और 2 आवर्स। इस प्रकार से जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैड पहले रखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो WH वर्ड को पहले रखते हैं। कभी कभार ये डू एज डायरेक्ट में ऐसे आता है, डू एज डायरेक्ट में इसका यूज आता है, ये लिखा रहता है ही और यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग रीड और यहाँ पे लिखा रहेगा 2 आवर्स और लिखा रहेगा कि करेक्ट द सेंटेंस या फिल द सेंटेंस, मेक द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको बनाना पड़ेगा वहां पे ही हैड बीन रीडिंग और यहाँ पे भी फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार से ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक सेंटेंस को लेकर के पूरे सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका एग्जांपल, जैसे कि मैं पहले ही बनाता हूँ, जैसे लिखा हुआ है सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो उसे हो जाएगा सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। इसको जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार से बनाएंगे तो हो जाएगा सी हैज स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। इसको जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के से बनाएंगे तो सी हैज बीन स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश और इसमें टाइम लगता है फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका जब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो हो जाएगा सी स्पोक इंग्लिश, सी स्पोक इंग्लिश, ये पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। और सी वॉज, सी वॉज स्पीकिंग, सी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हुआ। सी हैड स्पोकन इंग्लिश, she had spoken English,
ये आपका पास्ट परफेक्ट हुआ और सी हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस को हम कई टेंस में बदलते हैं। ये पिछले सभी टेंसों में मैं आपको बता रहा हूं। आज एक सेंटेंस लेकर के मैंने शुरू किया है, सी स्पीक्स इंग्लिश। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें यस या यस लगा रहता है। इसको यदि चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगता है, तो सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी को मान लो प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सी सी के साथ हैज लगेगा, सी हैज स्पोकन इंग्लिश। इसी को मान लीजिए हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है, तो सी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 month। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है, सी के कारण हैज बीन का यूज हुआ, तो सी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 month। अब हम जब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो सी स्पोक इंग्लिश। और इसको यदि हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है, तो कॉन्टिन्यूअस में आई एन जी फॉर्म लगता है, वॉज ओवर का हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, सी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसी सेंटेंस को मान लीजिए हमको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो सी हैड स्पोकन इंग्लिश। और इसका भी हमको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है, तो सी हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस। इस प्रकार से आप एक सेंटेंस को बहुत सारे सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, जो कि डू एज डायरेक्ट में आता है। इसके द्वारा आप टेंस को एक टेंस के दूसरे टेंस में बदलते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हर छोटे से छोटे गांव तक बच्चे इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या टेंस के बारे में सीख सकें और परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें। क्योंकि इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू इनलेसली, मेरा यही उद्देश्य है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल के लिए नए हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।